आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी। उसके लिए हमने ये कच्ची इमली ली है, दो तीन कच्ची इमलियाँ, ये दो तीन हरी मिर्चें और ये चार से पांच कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा नमक, एक छोटा टमाटर जो कि हमने काट लिया है और ये एक गड्डी पुदीना। अच्छा, इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को पीसेंगे, नमक भी डाल देंगे शुरू से ही ताकि उछले ना। तो इनको पीस लेते, हाथ रख लें ताकि आपकी आंखों में भी छींटे ना आए। लेंगे हम और आगे हम इंशाल्लाह और भी डिफरेंट रायते और चटनियां आपके साथ शेयर करेंगे। मेन कोर्स तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी मेन कोर्स के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये चीज़ें भी अगर ये ना हो तो आपका खाना इतना मज़े का नहीं लगता जितना कि इनके एडिशन से लगता है। ये देखें हमारी हमारे घर की छोटी अपने कारनामों में मशहूल है इस वक्त, हर वीडियो में इनकी रोती हुई आवाज़ आती है। हमारे घर के दो बहुत ही ख़ास माशाल्लाह अफराद, जिनमें एक ये हैं जिन्हें आज आपने देख लिया और एक और भी हैं इनके भैया, उन्हें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही जल्द, मोहम्मद कासिम। तो लीजिए आ गए हमारे दूसरे स्पेशल भी भाई, ये तो हमारे घर की जान है हमारे शहजादे कासिम, और ये दोनों बहन भाई हमारी नाक में दम करके रखते हैं, ये दोनों बहन भाई। तो हमारे घर की रौनक है माशाल्लाह ये दोनों, बस अल्लाह इनको हमेशा ही सलामत रखे। तो देखिए ये पिस चुके हैं ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट, अब हम इसमें पुदीना डाल देते हैं। पुदीना डाल देते हैं, जाया कोई भी चीज ना करे। हाथ रख लेते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। ये चटनियां जो पीसने का काम है इसमें महारत जो है मेरी बहन को हासिल है, इसलिए भी मुझे थोड़ी वो हो रही है, दिक्कत हो रही है इसको पीसने में। वो माशाल्लाह हमारे खानदान में मशहूर है चटनियां और अचार बनाने में। मैंने उनसे कहा भी था कि आप खुद बनाओ, मगर पता नहीं वो क्यों नहीं बना रही और ये जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी है उन्होंने। चलो खैर है, कभी इंशाल्लाह वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आपके साथ। तो देखिए पुदीना भी पिस चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। हाथ की चटनी की बात ही कुछ और होती है, वरना हम इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ की चटनी बहुत ही अच्छी होती है। सिल पे भी लोग पीसते, पहले तो खैर सिल पे अभी तो पीसते हैं, तो इन चटनी की बात ही अलग होती है। ये टमाटर का ये जो रस है हमने अलग कर दिया, फिर ये पिसने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अभी इसको हम एंड में इंशाल्लाह ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से पिस के तैयार है, तो हम अभी इसमें पानी भी डाल देंगे, टमाटर का रस, और अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितनी जूसी एंड वाटरी चटनी तैयार है, और हालांकि इसमें हमने कोई भी इजाफी वाटर ऐड नहीं किया है, टमाटर का और पुदीने का अपना ही रस है, तो इसे देख के खाने की शान और बढ़ जाती है, भूख में इजाफा हो जाता है। तो आप भी इसे बनाइए और हमें बताइए कि आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और बस अगली रेसिपी तक हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।